नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टीवी प्राइम। नंगल के करीबी गांव भलाण में डी सिल्टिंग के नाम पर फिर से माइनिंग शुरू कर दी गई है। आज माइनिंग के लिए 30 के करीब टिप्पर और कुछ मशीनें गांव के स्वा नदी में पहुंच गए, जिसके बाद गांव के सरपंच और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर काम को रुकवा दिया और जिसके बाद मौके पर माइनिंग एसडीओ और पुलिस को बुला लिया। गांव के लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह डी सिल्टिंग के नाम पर की जाने वाली माइनिंग का विरोध कर रहे हैं। वह अपने इलाके में माइनिंग नहीं होने देंगे, जिसके चलते उन्होंने इसको रुकवा दिया है। माइनिंग एसडीओ ने बताया कि यह साइट डी सिल्टिंग के लिए रखी गई है और स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए बुधवार तक इस काम को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में गाँव के लोगों के साथ बात करके ही काम शुरू किया जाएगा। नंगल से पंजाब टीवी प्राइम के लिए राकेश राणा की रिपोर्ट। जिस बन साहब थोड़े पिंड आज माइनिंग हो रही, क्या कहना चाहते? सब तो पहला तो मैं सारे देशवासियों को दिवाली दी लख लख बधाई दिंदा। बाकी जिहड़ी माइनिंग इस टाइम चल रही, ना इस संबंधी कोई ग्राम पंचायत नूं पता, ना साडे बीडीपीओ डिपार्टमेंट नूं पता। यह जिहड़ी माइनिंग है धक्केशाही नाल प्रशासन वल्लों चलाई जा रही, तो आपां इस माइनिंग के खिलाफ है। माइनिंग शुरू हुई कहिंदे लीगल होगी, पंचायत की खड़ बोली पै गई है, थोनों कोई इनफॉरमेशन है इहदे बारे? मैनू इहदे बारे कोई इनफॉरमेशन नहीं, क्योंकि मैं दो मते दी कापियां देख सकते। मैं एक पिछले साल 11/11/2021 दित्ती, एक 14/10 नूं पंचायत दा रेगुलेशन पा के दित्ता वा मते दी कापियां, पर असीं पंचायत बिल्कुल नहीं माइनिंग कराना चाहती। रिसीवड कापी है बकायदा, यह नहीं कह सकते रिसीवड दफ्तर की कापी है बकायदा। असी ठीक है, कोई पुराने समय पे होंगे, असी इहदे बारे कोई नहीं करते, पर पिछले एक साल तो असी लिख के दे रहे पे असी कोई माइनिंग कराना चाहते, पर साडी मर्जी तो बिना यह काम चलाया जा रहा। सानू तो यह नहीं पता भी पटा कौन रहा, माल कित्थे जा रहा, पंचायत नूं कोई इनफॉर्म नहीं। हुण एक पासा तो प्रशासन यह कहता भलाणे च माइनिंग होंगी, रात में खुद दफा चार्ज पर मशीन लगदिया। मैं इस संबंधी रेंजर नूं भी दस चुकिया, रात नूं 2 बजे मशीन लगदी, सवेर नूं 5 बजे निकलदियां, कोई सुनवाई नहीं। जो डिपार्टमेंट कोई हम लेट हो गए रात उ माइनिंग चलती, दफा जमीन च माइनिंग चलती, दफा जमीन का बूटा नहीं बढ़ सकते जिथे माइनिंग चलती। माइन डिपार्टमेंट कोई अधिकारी आए इतना अच्छ माइनिंग जे ही आ रहे हैं, जे ही साहब कोई साड़ी गल नहीं सुन रहे, बस वो कहने पिंड वाले बैठे रहो 2 घंटे चाह एक्सी ना आ रहे। हूँ असी मेरी एस डी ओ ने भी 2 बारी गल हुई, एस डी ओ साहब भी कहते थोड़े खड़े टिप्पर क्या इतराज करते, भाई तुम बाहर कढ़ाने भी क्या इतराज है? देखो साढ़े कहने बावजूद नहीं बाहर कढ़ा रहे, एक्सी साहब साढ़े फोन नहीं चक रहे। अगला तो यही है पिंड इकट्ठा करके जाम ही लाने पैने, होर तो कोई साडे बहाल है नहीं। जाम ला के अफसर मौके दूंगा, दे क्या सुनवाई होंगी? क्या मसला सुना जी? मसला इदा ना जी, ये जड़ी भलाण पंचायत की जमीन है भी चरांद है, इतने जबरदस्ती है थोड़े सामने 25-30 टिप्पर 35 लगे हुए, 5-4 मशीन 2 आ 3 पर है, 1-2 हज़ार उपर आ रही। किसी ने यह पुछते नहीं कितों पट्टना कितों नहीं पट्टना, चाहे किसी की भी हो जमीन तां सिंघां उहदा पता तो होना चाहिए भी आह बंदा इहनूं दे रहा, यह ना मना कर रहा। असी भलाण पंचायत ने भी तरफ पंचायत मजारी पंचायत ने भी मते पा के दिते भी जी असी ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है साडे लोगों का, पानी का जिहड़ा पद्धर है बहुत ज़्यादा नीवा चल गया, इस करके असी नहीं चाहते भी माइनिंग होगा। आह तो सरोसरी चोरी है, किसी को पता नहीं किया थे कौन पट रहा क्या हो रहा। जदों अभी महकमे ने भी यह गल पुछ दे वो चुप है। मैं अगर भी 1-2 बारी बेनती करी, जेड़ा भी वह कहता जी मैं तो अज आया सवेरे आया, कोई कहता मैं शाम को आया, कोई कहता मैं कल बदल गया अज आया, इदा चल रहा कोई कुछ नहीं दस रहा। आ पूरा पिंड हम थोड़े सामने खड़ा जी। प्रधान जी तुम भी लंबे समय तो इलाका संघर्ष कमेटी रिप्रजेंट कर रहे हो, प्रधान हो सी, क्या जब हम माइनिंग शुरू हुई थोड़ा पूछा गया इलाका संघर्ष कमेटी की मीटिंग हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी का मतलब ही नहीं समझ। इन्होंने एक ने एस डी एम साहब आए, उन्हें मगर नाटक उन्होंने अभी मदद दिता पे जी असं इतने नहीं होने देंगे, उसके बावजूद फिर आज कुछ हो रहा थोड़े सामने। प्रशासन की कार्यप्रणाली कितनी लगती थोड़ा? जीरो, बिल्कुल जीरो, कोई नहीं है प्रशासन ने, कोई मंत्री संतरी कोई साड़ी गल सुनने तैयार नहीं है। प्रशासन तो फिर ता ही सुनूंगा जो साडा कोई रिप्रजेंट उपरला कोई साड़ी गल सुनू थल्ले ही सुन लगे। थोड़ा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जी? साढ़े लोगों को सवाए सड़क रोकण होर कोई हल नहीं, लोग यह जो इन्होंने पता नहीं कितने क्या कर देना। ठीक है जी, असं साढ़े जो हम सा उम्र के लिहाज में साथ गर्भसार भी बोल हो जाता, ठीक नहीं गल, सूँ कितने बख्शन लगे लोग।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬਟਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬਟਨ, ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਸਹਿਮ ਪੜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਪੇ ਵੀ। ਸਾਈਡ ਪੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਾਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵੀ ਆਏ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਚਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਆ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੋਏ।